जागते रहो। फिर वही प्रश्न दोबारा आया, परमात्मा, परमात्मा के दर्शन कैसे होंगे, भगवान के दर्शन कैसे होंगे। हम मंदिर जाते हैं क्यों? क्या भगवान के दर्शन को? तुम अपने अपने दिल पर हाथ रख के देखो, क्या तुम भगवान के दर्शन को मंदिर जाते हो? नहीं, मंदिर तुम चाहते हो अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। एक तरफ इच्छाएं, एक तरफ भगवान के दर्शन। भगवान के दर्शन भी तुम्हारी इच्छाओं का ही फल है, ये भी इच्छा ही है तुम्हारी, तुम्हारे अहंकार का स्वरूप कि भगवान के दर्शन होंगे तो हम अपने आप को समाज में सबसे अच्छा, संस्कारी, प्रतिष्ठित, ज्ञानवान मानेंगे कि लो जी हमें तो परमात्मा के दर्शन हो गए। तुमने वो डायलॉग सुना है ना, एक फिल्म का था, तुम्हारे पास क्या है? एक भाई बोलता है मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, कोठी है। दूसरा बोलता है मेरे पास माँ है। याद आ गया? बस यही तुम परमात्मा के साथ करना चाहते हो, दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हो। वरना परमात्मा से क्या लेना देना? मेरी बात को सुन के नास्तिक मत हो जाना, मैं तुम्हें नास्तिक नहीं बना रहा हूं। एक धार्मिक व्यक्ति, एक सच्चा व्यक्ति, एक शांत, उसे क्या लेना देना? वो तो अपने मस्त में मस्ती में मस्त है। परमात्मा है तो भी वह मस्त है, परमात्मा नहीं उसके पास है तो भी वह मस्त है। तुम्हें परमात्मा केवल इसलिए चाहिए कि तुम उससे अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सको, तुम समाज में अपना पद ऊंचा कर सको, तुम औरों से अलग दिख सको, या सीधी सादी बात, अंधों में काणा राजा। बस। अच्छा, परमात्मा को तुम ढूंढने तो चले, कहाँ ढूंढोगे, कैसे ढूंढोगे, कभी सोचा है? उसकी कोई शक्ल है तुम्हारे पास? उसका रंग कैसा है, उसका रूप कैसा है, कैसा दिखता है, क्या नाम है? किसी व्यक्ति को अगर खोजने जाओगे तो उसका कोई अता पता, फोटो कुछ तो होनी चाहिए। क्या तुम्हारे पास है? नहीं, तुम्हारे पास तो केवल मंदिरों की मूर्तियों की फोटोएं हैं। अगर तुम उसी को परमात्मा मानते हो तो जाओ मंदिरों में, परमात्मा तुम्हारे लिए है। अपने अपने मोबाइल से, कैमरे से फोटो खींचो और घोषणा कर दो कि तुम परमात्मा से मिले आए, परमात्मा को तुमने देखा है। नहीं ना, परमात्मा का ना तुम पे कोई रूप है, ना नाम है, ना चित्र है, कैसे खींचोगे? अच्छा, एक चीज और, तुम स्वयं कहते हो परमात्मा कण कण में है, खुदा जर्रे जर्रे में है। अगर वो कण कण में है, वो सर्वव्यापक है, तो भी उसे खोजना व्यर्थ है कि वो तो है, और जो है उसे क्यों खोजा जाए? सुबह 7 बजे, 6 बजे सूरज निकल आया। अब सूरज की रोशनी, लालिमा पूरे विश्व पे, धरती पर पड़ रही है। जब धरती पे लालिमा पड़ रही है तो तुम सिर उठाकर आकाश में क्या सूरज को खोजते हो? नहीं, तुम्हें दिख रहा है लालिमा पड़ रही है, सूरज दिख रहा है, सूरज को क्या खोजना? अच्छा, इसके विपरीत
कभी रात को 11 बजे आसमान पे चांद चमक रहा है, तारे चमक रहे हैं, कभी रात को 11 बजे सिर उठाकर सूरज को खोजने की कोशिश की? नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है रात है, सूरज मिलेगा भी नहीं, जितना मर्जी खोज लो। यही स्थिति तुम्हारी परमात्मा के साथ होनी चाहिए। अगर तुम परमात्मा को कण कण में देख रहे हो, तुम मानते हो, तुम्हारा अनुभव है कि वह कण कण में विद्यमान है, तो भी उसे खोजना व्यर्थ है। और अगर तुम मानते हो कि वो कण कण में व्याप्त नहीं है, खुदा जदे जदे में नहीं है, तो भी खोजना व्यर्थ है, क्योंकि ना तुम्हारे पास चित्र, ना रंग, ना रूप, ना नाम, कैसे खोजोगे? परमात्मा कब मिलता है? जब तुम स्वयं में आनंद में होते हो। तुमने एक वो दोहा सुना है ना, जब आवे संतोष धन और सब धन धूरी समान। तुम इसको केवल धन से मत जोड़ के देखना। होता क्या है कि तुम्हारी बुद्धि पूरे जीवन धन में आसक्त रहती है, तो तुम इस पंक्ति को भी केवल धन से जोड़ते हो। ये पंक्ति धन से जोड़ने के लिए नहीं है, ये पंक्ति तुम्हारी चाह से जोड़ने के लिए है। जब आवे संतोष धन, जब तुम्हारे में संतोष आ गया, सो सब धन धूरी समान, तो फिर कोई चाह ही नहीं बची। अब तुम उसे केवल धन की चाह मत समझना, कोई भी चाह, धन की चाह, पद की चाह, मान सम्मान की चाह, परमात्मा की चाह, फिर कुछ चाह ही नहीं बची, वहाँ चाह ही मिट गई। जहाँ चाह मिट गई वहाँ संतोष हो गया, जहाँ संतोष हो गया वहाँ आनंद हो गया, और जहाँ आनंद होता है वहाँ परमात्मा स्वयं घटता है। परमात्मा ढूंढने से नहीं मिलता, परमात्मा तो घटता है तुम्हारे भीतर, तुम्हारे ऊपर। तुम देखो, कोई व्यक्ति मायूस है, उदास है, थका हुआ है, चिंता में है, भय में है, क्या तुम उसके पास बैठना पसंद करोगे? ये कैसे कह सकते हैं कि उसके आसपास केवल नेगेटिव थॉट्स हैं? क्या उसके पास बैठना पसंद करोगे? नहीं ना। तो तुम कैसे मान सकते हो कि तुम्हारे थके हुए, रोते बिलबिलाते चेहरे परमात्मा तुम्हारे पास बैठना पसंद करेगा? तुम मंदिर क्या करने चाहते हो? सोचो जरा, आँख खोल के देखना, केवल अपना दुखड़ा रोने? हे परमात्मा, गाड़ी की कमी है, कोठी की कमी है, शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, रोते बिलबिलाते, भीख मांगते, तुम चाहते हो कि ऐसे चेहरों के पास परमात्मा बैठेगा? और ये मत सोचना कि तुम में से कुछ सोचें कि हम तो जी खुशी में भी जाते हैं, गाड़ी आ गई तब भी हम गए, बेटे की शादी हो गई तब भी हम गए, लेकिन उसके पीछे भी भय, गाड़ी तो आ गई, हे परमात्मा गाड़ी तो आ गई, अब गाड़ी छिन ना जाए, बच्चे की शादी तो हो गई, अब शादी के बाद गाड़ी रुक ना जाए, उनके बच्चे भी होने चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ तुम्हारे अंदर डर, भय, चिंता, व्याकुलता घर की हुई है, और तुम चाहते हो ऐसे में परमात्मा तुम्हारे साथ बैठे? संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। जहां कोई चिंता नहीं होती ना, तुम देखो फकीरों को, सूफी फकीरों को देखो, और खाली फकीरों को नहीं, अपने जो तुम्हारे
हिंदू धर्म में भी सच्चे सन्यासी हैं, उनको देखो। सन्यासी का कोई धर्म नहीं होता, और जिसका धर्म बचा है वो सन्यासी नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाई थी ना, तुमने देखी होगी, उस वीडियो का टाइटल था सन्यासी फिर भी हिंदू, फकीर फिर भी मुसलमान। तो ये सन्यासी या फकीर, तुम इनको देखो, इनके पीछे पीछे परमात्मा भागा फिरता है, और तुम हमेशा चिंतातुर रहते हो, भय से कपते हुए। जब तुम छोटे थे, याद है स्कूलों में एक किताब पढ़ाई जाती थी हमें, और एक दृष्टांत अक्सर दिया जाता था, तुम्हें याद आया होगा, चिंता चिता समान है, चिंता चिता समान है। तुमने केवल उसे चिंता और केवल चिता समझा। वो कौन सी चिंता है जो चिता समान है? तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारा भय डर, आरंभ से ही धर्म को भय के कारण तुम्हारे ऊपर लादा गया है। भय से, चिंता से तुम्हारा पूरा जीवन ही चिता समान हो गया है। तो तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे जीवन में, उस चिता में परमात्मा आके विराजमान हो? लगता है होगा। अगर तुम किसी मित्र से खुशी में मिलने जाओ, तो क्या तुम कहोगे कि भाई आओ हम दोनों बैठ के कॉफ़ी पियेंगे, शमशान में चलते हैं, चिता पे बैठेंगे? संभव है? तो परमात्मा कैसे आएगा तुमसे मिलने? सारा जीवन चिंता, तो सारा जीवन चिता में। इस चीज़ को जरा ध्यान से देखो, परमात्मा तभी घटित होगा जब तुम खुशी में होगे, आनंद में होगे। एक तुमने दोहा और सुना होगा, दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करें और दुख का एको होए। इसका मतलब भी तुम क्या जानते हो ये तुम जानो। तुमने सोचा कि सुख में सुमिरन करेंगे तो दुख नहीं होगा, लेकिन भय तो वहीं का वहीं रहा, दुख ना होने का भय कि दुख नहीं हो इसलिए सुमिरन कर रहे हैं। परमात्मा नहीं घटेगा, मैं वही कह रहा हूँ, परमात्मा को घटने के लिए ये भय, चिंता, दुख, डर, इनको छोड़ना ही पड़ेगा। और तुम्हारा धर्म आरंभ से लेके आज तक केवल और केवल नकार पर आधारित है, भय पर आधारित है। जिसने धर्म की रचना की, उसने उस नीति नियमों को बनाया और तुम्हें भय दिखाया, नरक का भय, स्वर्ग के प्रलोभन, वैकुंठ के प्रलोभन, सिद्धाश्रम के प्रलोभन। ये प्रलोभन और भय ये बच्चे को दिखाए जाते हैं, और बच्चा इनके डर से सही काम करता है। ऊपरी ऊपरी पढ़ाई करो, नंबर अच्छे आएंगे, तुम्हें चॉकलेट दिलवाएंगे, गलत काम करोगे तुम्हें बाथरूम में बंद कर देंगे। लेकिन क्या बच्चा इससे, इस भय से, इस डर से संस्कारी हो गया? नहीं, वह केवल सीख गया। तो तुम्हारे समाज में बैठने के तौर तरीके सीख गया, संस्कारी नहीं हुआ। भय और प्रलोभन से आदमी संस्कारी नहीं होता। आंख खोल के देख ले बच्चा कि गलत, दूसरे को दुख हो रहा है, मुझे नहीं करना है, तो वो संस्कारी हुआ। तुम्हारा जीवन भी इसी प्रकार है। तुम परमात्मा को भय के कारण, डर के कारण, लालच के कारण खोजते हो,
और देखो किस किस कारण से कई बार हंसी आती है कि किस कारण से तुम परमात्मा को खोजने चले। पत्नी मर गई, सर मुंडवा दो, बन गए सन्यासी, खोजने चले परमात्मा को। पत्नी मरी और परमात्मा को खोज चालू हो गई। कहीं एक दूसरे का तुक लगता है? व्यापार डूब गया, दिवाला निकल गया, दुकान बंद हो गई, बिजनेस बंद हो गया, छोड़ो घर बार, चलो परमात्मा को खोजने। दूर दूर तक कोई नाता है दुकान बंद होने का परमात्मा से, पत्नी के मरने का परमात्मा से? ऐसे ऐसे कारण लेके तुम परमात्मा को खोजने चलते हो, फिर तो परमात्मा तुम्हें मिला जरूर। स्वयं सोचो, हंसी आएगी तुम पे। ये तो ये वो कहानी हो गई कि एक व्यक्ति शादी करने चला, उससे पूछा, भाई शादी करने क्यों जा रहे हो, क्या करोगे शादी करके? वो कहता है घर में दिक्कत होती है, कपड़े धोने के लिए चाहिए। अरे कपड़े धोने के लिए पत्नी चाहिए? कपड़े धोने तो एक 300 रुपये 500 रुपये की मेड भी काम कर सकती है। रोटी बनाने के लिए चाहिए? उसे ये नहीं पता शादी क्यों की जाती है। प्रेम के लिए? किसी से प्रेम हो गया इसलिए शादी की, या कपड़े धोने के लिए की? तुमने परमात्मा को क्यों खोजा, प्रेम हो गया या कपड़े धुलवाने हैं? परमात्मा के साथ मन जुड़ गया या समाज में पद प्रतिष्ठा बढ़ गई कि तुम्हें परमात्मा मिल गया? जरा ध्यान तो लगाओ, परमात्मा को क्यों खोजने चले? आज इतना ही, शेष किसी और दिन तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।